तो अब सवाल यह है कि किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, किसमें कोवेलेंट करेक्टर कम है, किसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा है, किसमें आयनिक करेक्टर कम है, वो हमें कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए फजान ने एक रूल दिया, वो कहते हैं कि भैया देखो इसके लिए सिंपल तरीका है, इसके सिंपल तरीका क्या है, पहचानने का तरीका क्या है, नंबर वन ध्यान से सुनना। फजान रूल ये कहता है कि भैया ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या होता है कि तुम ठीक है तुमने एक आयनिक बॉन्ड बना दिया, आयनिक बॉन्ड में तुमने एक कैटायन को पैदा किया और एक तुमने एनायन को पैदा किया, पर आप ये भी सोचो कि जो कैटायन है बेसिकली वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। जरा ध्यान से समझना, इस कैटायन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस एनायन को दे दिया, ऑब्वियसली इस एटम को दिया तो वो एनायन बना। अब वो क्या कहता है कि छोटे साइज की वजह से ये क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। अब इससे होता कुछ यूं है, दिखाई यूं देने लगता है कि यहां पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दिए नहीं है, साझेदारी अभी भी है, और जब भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दिखाई देने लगती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आयनिक करेक्टर के साथ साथ कोवेलेंट करेक्टर आने लगता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हुआ कुछ यूं था कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था राजी खुशी, लेकिन इलेक्ट्रॉन देते ही कैटायन छोटा हो गया, छोटा होने के बाद उसने क्या किया, उसकी न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई, तो इस न्यूक्लियस ने क्या किया, एनायन के